जब उनके साथ मैं जब पाकिस्तान में था तो उनके साथ जो है वो मेरी दोस्ती कैसे हुई, जिनमें से एक खातून जो कि शुरू में जो है ना खाना खा रही थी, एक दफ़ा मेरा पासपोर्ट जला दिया गया, मेरे डॉक्यूमेंट फाड़ दिए गए। तंग रंग ये ब्रदर जो है तो उसके बाद जो है मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अमीर। आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के रहम करम से, मैं बिल्कुल। तो अल्लाह का नाम लेकर आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं, और आज जो है मैं आप लोगों को अपनी तमाम जो स्टोरी है लाइफ की वो सुनाने लगा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फिर सुने मेरी स्टोरी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह मैंने इंडोनेशिया में आके शादी की, और किस तरह मेरी जो है इंडोनेशियन खातून से मुलाकात हुई, और किस तरह जो है ना मैं एक गरीब घर से जो है एक अमीर फैमिली के साथ अटैच हो गया। मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र था वो पहले कैसा था और अब कैसा है। 2018 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है मेरी एक शॉप है अपनी ज़ाती, और मैं अपनी शॉप पे काम करता था। तो एक लड़का जो है वो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि यार मुझे जो है ना आपकी दुकान से कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है कोई मसला नहीं, आप ले लो। तो कहते नहीं, मैं इसके बदले में आपको जो है आउट ऑफ कंट्री की जो है लड़कियों के नंबर दूंगा। उस टाइम क्योंकि बचपना था और सबको शौक होता है कि जी बाहर के कंट्री की लड़कियाँ हूँ, हम उनसे बातचीत करें और एक कम्युनिकेट हो, हम इंग्लिश वगैरह सीखें। उस टाइम तो मैंने सोचा कि कोई जो है अंग्रेज़ लड़कियाँ होंगी और उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ी इंग्लिश जो है थोड़ी बेहतर हो जाएगी। सो उस टाइम जो है मैंने उससे नंबर ले लिया, तो इस चीज़ को मैंने इग्नोर किया। तकरीबन कोई 3 महीने गुजर गए, मेरे पास काफ़ी सारे कोई आउट ऑफ कंट्रीज़ के नंबर थे तो मैंने ट्राई नहीं किए। तो एक दिन मैं जो है बिल्कुल अकेला बैठा था, उस टाइम कोरोना आ चुका था पाकिस्तान के अंदर, मैं जो है वो अकेला बैठा घर में बोर हो रहा था। सो मैंने सोचा कि मैं नंबर डायल कर लेता हूँ। तो मैंने बारी बारी सब के नंबर ट्राई किए, और जिनमें से एक खातून जो कि शुरू में जो है ना खाना खा रही थी, वो यही खातून है जो मेरी बीवी हैं, अक्सर आप लोग व्लॉग में देखते हैं। तो उनके साथ जो है ना मेरी अचानक रब्ता हो गया। जब मैंने वीडियो कॉल की, डायरेक्ट इनसे बात की मैंने, तो मैंने देखा कि ये जो है ना खाना वगैरह खा रही हैं, और ये मेरे से बड़े अच्छे तरीके से बात कर रही थी, इन्होंने हिजाब पहना हुआ था बड़े अहसन तरीके से। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आप मुस्लिम हैं, तो इन्होंने कहा जी हाँ मैं मुस्लिम हूँ। तो उस दिन से जो है हमारी बातचीत स्टार्ट हुई इस तरह। सो इस तरह से जो है ना हम दोनों की जो बातचीत है वो शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और हम दोनों जो है एक दूसरे को हम लोगों ने पसंद कर लिया और हमारी जो है लाइव दोस्ती हो गई। तो 2 से 3 साल तक तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 2 साल में तो कोरोना रहा, तो कोरोना की वजह से जो है किसी कंट्री में मूव करना बिल्कुल मुश्किल था। सो इसी वजह से जो है ना 2 साल मैंने इंतज़ार किया बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद मैंने इरादा किया जी मैं इंडोनेशिया की तैयारी की, मैंने इरादा किया। अब क्योंकि मेरे घर वालों सबको पता चल चुका था इंडोनेशिया की मेरी स्टोरी के बारे में, तो सब घर वालों ने उस टाइम तो खामोश थे, उन्होंने कहा पता नहीं ये वैसे बातचीत करता है तो ये कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा, कैसे जाएगा। तो उस टाइम ना मेरे पास इतने कोई वसाइल थे, लेकिन मेरा इरादा था, सच्चे दिल से जो है ना मेरी नीयत थी कि मैं इंडोनेशिया इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। और इसी वजह से जो है फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाई, एक दफ़ा मेरा पासपोर्ट जला दिया गया, मेरे डॉक्यूमेंट फाड़ दिए गए, और बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने सर्वाइव किया। दोबारा मैंने डॉक्यूमेंट बनाए, रेडी किए, आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन पे काफ़ी खर्चा आ जाता है और काफ़ी मेहनत लगती है। सो दोबारा मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाई, उसके बाद जनाब मैंने तैयारी की इंडोनेशिया जाने की। तो जो मेरी वालदा थी उनसे मैंने फिर झूठ बोला कि मैं दुबई तक जा रहा हूँ और मैं इंडोनेशिया नहीं जाऊँगा। उनको पता था कि जाएगा इंडोनेशिया, लेकिन मैं उनको तसल्ली जो है दे के आ गया कि मैं सिर्फ जो है जस्ट ऑनली दुबई तक जा रहा हूँ, मैं इंडोनेशिया नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने वहाँ से तैयारी पकड़ी, मैंने टिकट बुक कराई, कुछ इन्होंने भी मेरी हेल्प करी यहाँ तक आने में, और इस तरह जो है जनाब हमारी बातचीत 3 साल तक चलती रही। और उसके बाद आखिर जो है मैं इंडोनेशिया पहुँच गया, इनके साथ मैंने मुलाकात की। तो ये गाड़ी लेके आ रही थी, इनका गाड़ी का जो टायर था वो फट गया, पंचर हो गया। इतनी जल्दी में और इतनी खुशी में ये मुझे लेने आ रही थी, तो अचानक से जो है ना इनकी दूसरी जो गाड़ी थी उसका टायर फट गया। तो मैं जो है रात को 11 बजे तक जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर बैठा रहा, और मैं गाइस उस टाइम इतना उदास हो गया, मैंने सोचा कि बस अब ये नहीं आएंगी, और मैं समझा कि बस ये नहीं आएंगी, मेरे साथ जो है ना धोखा हो चुका है, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है,
मुझे लगता है ये शायद नहीं है, लेकिन भरोसा मुझे बहुत ज़्यादा था, अपने से ज़्यादा इनके ऊपर मुझे भरोसा था। और फिर अचानक जो है ना, मैंने देखा कि जनाब ये अपना सामान लिए और गाड़ी की चाबी लिए, बैग लिए आ गई। मैंने इनको दूर से जो है ना पहचान लिया, इनसे मैंने मुलाकात की। और जब इन्होंने मेरे से देखा तो कहती हैं, जब आमने सामने इन्होंने मुझे देखा तो कहती हैं कि आप इतने छोटे हैं, मतलब आपकी उम्र इतनी कम है। सो उन्होंने मुझे फिर कहा कि चलो बैठो गाड़ी में, और घर ले गए। बड़ी की खिदमत की, बड़ा अच्छा जो है ना घर वालों के साथ जो है बातचीत हुई। फ्रेंड्स, चूँकि मेरी वाइफ जो है वो माशाल्लाह से डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, सो मैं भी गाड़ी में बैठ के उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ, और मैं अपनी वाइफ को आप लोगों से मिलवाता हूँ इंशाल्लाह, और उनसे बात भी करेंगे। इंग्लिश जो है वो बोल लेती हैं, सो उर्दू ज़बान उन्हें नहीं आती, सो हम लोग इंग्लिश में उनसे बातचीत करते हैं। ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, सो यहाँ पे जो है हमारा दूसरा घर है। माजरत, मैंने भी बात बीच में काट दी, और यहाँ से हम लोग पार्सल लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये है जी हमारी सिक्योरिटी यहाँ की, प्रोटेक्शन के लिए। और ये है जी घर, और 6 नंबर जो है घर हमारा है, और इसके अंदर दिखाते हैं। सो मेरे पास जो है अंदर जाने का भी टाइम नहीं है, बाहर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कॉलोनी है, खूबसूरत क्लस्टर है, बड़ा प्यारा। सीधी ये सड़क जाएगी, इससे राइट मुड़ेंगे तो घर है हमारा। और इससे जो है ना पार्सल आना था मेरा यूट्यूब की तरफ से, और मैं इससे पूछता हूँ कि पार्सल जो है ना वो मेरा आया है कि नहीं आया। इसी नहीं पार्सल आ जाना गादा ही नहीं। ओह, कह रहा अभी नहीं है आपका पार्सल जो है ना। ओके, थैंक यू, त्रिमा काशिया। ओके ओके, थैंक यू ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है। सो अभी जो है ना यहाँ इनको मिल लिया है, बात कर लिया मैंने इनसे, पार्सल लेकर आना था मेरा, तो वो अभी तक नहीं आया। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं, क्योंकि इधर घर है तो घर का एड्रेस दिया होता हम लोगों ने जी। तो हम लोग जो है कोस्टा रिका क्लस्टर से निकल चुके हैं, और ये सामने जनाब इधर जो है प्रेसिडेंट लेवल के लोग आते हैं। मेरे पास अभी टाइम थोड़ा कम है, सो मैं अंदर अभी नहीं जाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को इसके अंदर का विज़िट कराऊँगा। इधर बास्केटबॉल, बैडमिंटन और ये गेमें वगैरह प्ले की जाती हैं। वाइफ को लेने आया था इस जगह से, सो इन लोगों ने मुझे बुलाया। बड़े अच्छे लोग हैं, काफ़ी हॉनेस्ट लोग हैं, और मेरी बड़ी खिदमत की इन लोगों ने, और चीज़ें भी काफ़ी ऑर्डर की। और ये ब्रदर हैं जनाब, माशाल्लाह ये गवर्नमेंट के जो है मुलाजिम हैं, और अलबंतानी। क्योंकि अजान हो चुकी है, सो सबसे पहले नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है मैं वाइफ को उठाऊंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर तक, जो है उनको भी छुट्टी हो जाएगी, काम से फ्री हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पार्क लग गई है, पार्किंग में हमें जो है ना देखा मिली है, बिल्कुल रोड के ऊपर ही पार्क कर दी हमने। अंदर लेके जाते फिर टाइम लग जाना था। सो अभी मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी ब्यूटीफुल मस्जिद है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है, दिल खुश हो जाता है, बड़ा सुकून आया है नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी भी दुआ है कि तमाम जो हमारे मुसलमान भाई हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा रिज़क नसीब फरमाए, और हमेशा खुश रहें सभी। आई नो अंडरस्टैंड वेयर आई ड्रॉप माई शूज़, देन आई एम सर्चिंग बिकॉज दिस इज़ गडे मस्जिद बिग, नो इन हेयर, दिस इज़ इंट्रेंस, इंट्रेंस।
जनाब तो बेगम साहिबा जो है वो आ चुकी है, ड्राइव कर रही हैं। सबसे पहले जो है ना मैं गया था, इनको मैंने वहाँ से उठाया और इन्होंने भी ड्रेस चेंज किया घर आके, वर्किंग ड्रेस पहना हुआ था इन्होंने। और उसके बाद जो है ना हम लोग अभी जा रहे हैं क्लिनिक पे। मैंने तकरीबन एक लुक में डाला था मुँह में, मुझे कॉल आ गया कि जल्दी आए, पेशेंट आ गया है। सो इसी वजह से जो है हम लोग अभी जा रहे हैं क्लिनिक की तरफ, वहाँ बैठ के इंशाल्लाह बात करेंगे आप। Tensinya tadi normal ya? Kurang malah bu. Kurang. Tadi 9 berapa? Tadi tensinya. मैं इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ और ये बच्ची का जो है ना ब्लड टेस्ट कर रही है। व्हाट हैपन विद चिल्ड्रन? नो आई एम मॉम। ओ मॉम सिस्टर? ओ इसने हाथ में पहना हुआ, मैंने कहा शायद इसके एंगल पे लगी है। सिस्टर का टेस्ट हो रहा है जी। ओके Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, saya punya suami. Suami saya orang Pakistan. Perjalanan saya dengan suami saya itu sangat rumit. Sangat kalau dipikir-pikir tidak mungkin saya akan menikah lagi. Karena usia saya sudah berumur, sudah tua. Nggak mungkin saya harus menikah lagi, ya kan? Tapi Allah berkehendak lain. Ya, saya ditemukan dengan lelaki yang baik, ya, single, ya, no any istri. Walaupun masih muda suami saya, tetapi pemikirannya cukup dewasa. Ya, insya Allah kita bertemu itu karena campur tangan Allah. Ya, campur tangan Allah. Kalau tidak ada campur tangan Allah, nggak mungkin kita menikah. Kalau dipikir-pikir, ya nggak mungkin Pakistan Indonesia. Tapi ya dobara wapas aage hain, namaz padhne chale gaye the hum log. और ये बता रही थी अपनी इंडोनेशियन ज़बान के अंदर कि हमारी मुलाकात जो है वो फेसबुक पे नहीं बल्कि व्हाट्सएप के ऊपर हुई थी और व्हाट्सएप से हमारी बातचीत हुई और इस तरह हमारी जो है दोस्ती चली। लेकिन उस टाइम कोरोना था, इनके यहाँ काफ़ी मसरूफ़ थी, बिज़ी थी, सो रिप्लाई टाइम से नहीं दे रही थी। और उधर हमारे यहाँ कोरोना था, हम लोग जो है वो बिल्कुल वहाँ पर फ्री थे, घर में बैठे हुए थे। आपको पता है कोरोना में सारा कुछ बंद था। तो मैंने इनको जो है ना कॉल बड़ी कॉलिंग की मैंने इनको, फिर जाके जो है इनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई और हमारी दोस्ती हो गई। फिर इन्होंने खुद जो है मुझे बुलाया कि आप इधर आ जाएँ, सो मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे। और पहले बता के मुझे बोल के उसके बाद फिर जो है वो ये जो है ना कहती है कि तुम नौजवान हो तो मैं जो है ज़्यादा उम्र की हूँ, ऐसे है वैसे है, तो तुम जो है ना बाद में तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम होंगे। तो मैंने फैमिली वालों से बात की, मेरे वालिद साहब तो मान गए, लेकिन मेरी वालदा जो है वो भी मान गई, लेकिन वो कह रही थी कि इनको पाकिस्तान बुला लें आप, इंडोनेशिया ना जाओ, इनको पाकिस्तान ही बुला लो। सो फिर जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है फैमिली हमारी एग्री हुई है। तो उसके बाद जो है मेरे गाइस ये मुझे बहुत ज़्यादा हंसा देती है। सो उसके बाद जो है मैंने अम्मी से बात की, तो अम्मी जो है कह रही थी कि इनको उधर बुला लें, तो मैंने कहा नहीं मैं ही उधर चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये भी कह रही थी कि मुझे डर लगता है, सो मैं वहाँ नहीं आना चाहती, आप पहले आ जाएं फिर मैं आपके साथ चलूँगी। सो इस तरह से जो है ना हमारी बातचीत आगे बढ़ी और मैं जो है ना घर वालों को मैंने बोला मैं दुबई तक जा रहा हूँ। अबू को मेरे पता था, अम्मी को मैंने बोला बस मैं दुबई तक जा रहा हूँ, दुबई तक जा रहा हूँ। सो इधर आया अल्हम्दुलिल्लाह शादी की। मैंने कभी ये सोचा नहीं था लाइफ में कि अल्लाह ताला जो है इतनी तरक्की ता फरमाएंगे और इतनी एक अच्छी और बड़ी मोहब्बत करने वाली बीवी मुझे मिलेगी, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। लेकिन ख्याली पुलाव मैं ज़रूर पकाता था कि बेगम हो, कभी वो जनाब आपके पैर धो रही हो, कभी आपके जूते के तस्मे बांध रही हो, कभी आपको खिला रही हो। तो जो इमेजन किया था ना मैंने, सोचता था ख्याली पुलाव जो पकाता था, तो वैसे ही हुआ है। बीवी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिली है। सो ये है हमारी स्टोरी और थैंक यू सो मच, लुक दिस इज, थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया। और इसी के साथ ही आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।
watching any video. My husband, yes, yes. Subscribe. Subscribe. No, don't forget. Yes. Don't forget. Subscribe. Yes, subscribe. Then like. Subscribe. So guys, जो इन्होंने बोला है वो आप कर दें. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप लोगों का. और ये हम अक्सर मेरे भाई कमेंट करते हैं कि आप इससे क्वेश्चन करते हो तो ये जवाब नहीं देती. ब्रदर ये जो है ना अपने कामों में मसरूफ होती है, इनका दिमाग जो है ना कहीं लाजमी होता है. तो इसी वजह से जो है ना मैं कभी वीडियो बना रहा हूँ इनसे बात करूँ ये खामोश रहती है. तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये मुझे जोड़ो. हाँ नाक एक जैसी है वैसे हम दोनों की ना. ओके ओके. अस्सलामुअलैकुम. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.